नमस्कार, मैं हूँ शाश्वत सिंह। न्यूज फॉर सोशल में आपका स्वागत है। राम मंदिर लहर से 1991 में कल्याण सिंह की अगुवाई में भाजपा उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज हुई थी। उस वक्त भाजपा को कुल 415 में से 221 सीटें मिली थीं। साल 1992 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उसके बाद 1993 में सपा बसपा ने भाजपा को रोकने के लिए हाथ मिलाने का फैसला किया था। 1993 के विधानसभा चुनाव में बसपा और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़े थे। इस दोनों दलों ने नारा दिया था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इन दोनों पार्टियों को चुनाव में जीत मिली और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। हालांकि 1995 में मायावती ने गठबंधन से अपना हाथ खींच लिया और मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई थी। 90 का वो दौर जब दक्षिणपंथी राजनीतिक ने देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक रखा था, उस दौरे में अंबेडकर के राजनीतिक वारिस कांशीराम ने समाजवादी मुलायम सिंह यादव को अपनी अलग पार्टी बनाने की सलाह दी। दरअसल कांशीराम ने एक साक्षात्कार में कहा था, यदि मुलायम सिंह से वो हाथ मिला ले तो उत्तर प्रदेश से सभी दलों का सूपड़ा साफ हो जाएगा। एक साक्षात्कार पढ़ते ही मुलायम सिंह यादव दिल्ली में कांशीराम से मिलने उनके निवास पर पहुंचे। उस मुलाकात में कांशीराम ने नए समीकरण के लिए मुलायम सिंह को पहले अपनी पार्टी बनाने की सलाह दी और 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया। जिस दिन के लिए कांशीराम ने मुलायम सिंह यादव को अपने साथ लिया था, वो दिन आ चुका था। साल 1993 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, राम मंदिर और मंडल के दौर में बीजेपी से लोहा लेने खतरे से खाली नहीं था। कांशीराम ने मुलायम सिंह यादव को साथ लेकर दलितों और पिछड़ों के वोट को एक करने की कोशिश की। 1993 में समाजवादी पार्टी ने 256 सीटों पर और बहुजन समाज पार्टी ने 164 सीटों पर विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा। परिणाम आए तो समाजवादी पार्टी 256 में से 109 सीटों पर कब्जा किया, वहीं बीएसपी ने 164 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की। इस तरह पहली बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की सरकार बनने में कामयाबी भी हासिल कर ली। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने और बसपा के नेताओं को कैबिनेट में जगह मिली। गठबंधन की सरकार से उत्साहित होकर बहुजन कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया, मिले मुलायम काशी राम, हवा में हो गए जय श्री राम। ये गठबंधन उस वक्त की सबसे सफल सोशल इंजीनियरिंग मानी जाती है। 2 नवंबर 1990 को जब अयोध्या की तरफ बढ़ रहे लाखों कारसेवकों को रोकने के लिए सुरक्षा बल असफल होने लगी, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निर्देश पर गोलियां चलाई गई। अयोध्या की गलियां में खून बह रहा था और अयोध्या सरयू पुल पर कारसेवकों के शव बिखरे पड़े थे। सरकारी आंकड़ों में करीब 1.5 दर्जन लोगों की गोलियां लगने से मौत हुई थी, लेकिन असल हकीकत में मरने वालों की संख्या ज्यादा थी। देश भर में राम मंदिर के लिए आंदोलन चल रहे थे। बावजूद इसके 1993 में मुलायम सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे और ये सफलता सपा बसपा के गठबंधन की वजह से मिली। शायद दलित पिछड़ों की साझा मजबूती को कांशीराम बहुत पहले समझ चुके थे और इसलिए उन्होंने कहा था कि यदि दलित पिछड़े एक हो जाए तो उत्तर प्रदेश से सभी दलों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर सोशल।